हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। एक बार पुनः हम स्टार्ट कर हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 4 अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कल हमने स्टार्ट किया था। इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं इसका। और ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? देखो दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी श्रेणी के बारे में पढ़ा था, यानी यहाँ पे मैंने यू वन यू टू डॉट डॉट यू एन प्लस वन के उत्तरोत्तर पद के किसी नियम के द्वारा आए, यानी किसी नियम के द्वारा उत्तरोत्तर पद आए तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहला अनंत श्रेणी, जिसमें अनंत पद वो अनंत श्रेणी कहलाती है। इसके बाद मैंने दोस्तों आगे अभिसारी श्रेणी, जिसमें यहाँ पे सिग्मा या यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू एन प्लस वन, या फिर मैं कह सकता हूँ सिग्मा यू एन एन टू, यहाँ पे इन एन एन इजिकल टू वन टू एन लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू आती है वो ए फाइनाइट आए, परिमित आए या एल आए, देन यहाँ पे क्या कहलाता है दोस्तों? वो अभिसारी कहलाता है। और अपसारी क्या कहलाता है? यदि यहाँ पे सिग्मा एन टू यहाँ पे एन इजिकल टू वन टू एन इजिकल टू इनफाइनाइट आए, देन यहाँ पे अपसारी श्रेणी कहलाता है। दोलायमान क्या कहलाता है? दो परिमित परिमित जो परिमित श्रेणी दे रखी है, दो परिमित मान दे रखे हैं, परिमित राशियों के बीच का जो मान होता है उनको क्या कहलाता है? दोलायमान श्रेणी कहलाता है। और यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट बताया था मैंने दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, और गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण में मैंने यहाँ पे कि यदि हमारे पास एक्स की वैल्यू, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के जो पद होते हैं एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर थ्री डॉट डॉट एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, श्रेणी के अभिसारी और अपसारी की जांच कैसे करते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू यदि माइनस वन से प्लस वन के बीच आती है तो, या और यहाँ पे जो इनके जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो लिमिट होती है, देन यहाँ पे वो हम कह सकते हैं वो अभिसारी होगा। और यहाँ पे सिग्मा यू एन और इजिकल टू एस एन और लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन इजिकल टू, यहाँ पे इनफाइनाइट आता है अपरिमित आता है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण होगा वो अपसारी होगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे हमने नेक्स्ट बताया था इनके रूल्स, और रूल्स में मैंने क्या बताया था? यदि लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज नॉट इक्वल जीरो, देन यहाँ पे वो निश्चित ही अपसारी होगा। और यदि हमारे पास लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जीरो हो, इज इक्वल टू जीरो हो, देन यहाँ पे वो अपसारी या अभिसारी कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो रियल रूल बताया था हमने, किसी भी श्रेणी में परिमित या परिमित संख्या जोड़ने या घटा देने या हटा देने पर उस श्रेणी के अभिसरण और अपसरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। फिर बाद में हमने नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे किसी भी श्रेणी के पदों को अशून्य राशि से गुणा करने पर उनके अभिसरण अपसरण पर कोई भी प्रभाव, यानी अशून्य राशि पे इससे किसी भी श्रेणी के पदों को अशून्य राशि से गुणा करने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि दो श्रेणी दे रही कि हमें सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन, देन यहाँ पे श्रेणी दे रही कि सिग्मा यू एन और वी एन, और यहाँ पे प्लस करता हूँ और सिग्मा यू एन माइनस वी एन करता हूँ, तो यहाँ पे इसमें इस प्रकार से होता है, अभिसारी श्रेणियाँ होती है। ठीक, अब आज कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तुलना परीक्षण। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो किस प्रकार से हुआ देखो, यहाँ पे हेडिंग डालना है दोस्तों यहाँ पे तुलना परीक्षण, प्रथम तुलना परीक्षण यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण में हमारे पास प्रथम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रथम तुलना परीक्षण, क्या लिख रहा हूं मैं? प्रथम तुलना परीक्षण। ठीक है, प्रथम तुलना परीक्षण, और प्रथम तुलना परीक्षण इस प्रकार से होगा, यदि हमारे पास सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दो धनात्मक पद वाली श्रेणियां हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं यदि, यदि यहां पे कह रहा हूं कि सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन, सिग्मा वी एन दो धनात्मक पदों वाली, दो धनात्मक पदों वाली, दो धनात्मक पदों वाली, दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियां हैं, श्रेणियां हैं। ठीक है, दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियां हैं। ठीक है, दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियां हैं, देन मैं कह सकता हूं यहां पे कि यदि यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि सिग्मा वी एन अभिसारी
अभिसारी तथा यू एन इज लेस देन इक्वल वी एन एवरी एन इज एप्सिलॉन एन टू सिग्मा यू एन बी अभिसारी होगा, बी अभिसारी होगा, बी अभिसारी होगा। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों मैंने, यदि हमारे पास सिग्मा वी एन अभिसारी है तो सिग्मा यू एन इज लेस देन सिग्मा वी एन हो या यू एन इज लेस देन इक्वल वी एन हो तो भी यहाँ पे यू एन बी क्या होगा, सिग्मा यू एन बी क्या होगा, अभिसारी होगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि यदि यदि हमारे पास सिग्मा वी एन अपसारी हैं, सिग्मा वी एन अपसारी हैं, ठीक है, क्या है अभिसार अपसारी है, तथा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू एन इज ग्रेटर देन टू वी एन एवरी एन इज एप्सिलॉन एन हो तो भी, हो तो भी यहाँ पे हमारे पास यू एन या सिग्मा यू एन बी, सिग्मा यू एन बी अपसारी होगा। ठीक है, क्या होगा अपसारी होगा, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, यहाँ पे अपसारी होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, सिग्मा वी एन अपसारी है तथा सिग्मा यू एन इज ग्रेटर देन टू वी एन हो, देन यहाँ पे मैं एन इज एप्सिलॉन एन हो, देन यहाँ पे सिग्मा यू एन भी क्या होगा अपसारी होगा। और सेकेंड हमारे पास जो रूल है वो इस प्रकार से, ठीक है, द्वितीय तुलना परीक्षण, यहाँ लिख रहा हूँ मैं द्वितीय तुलना परीक्षण। ठीक है, द्वितीय तुलना परीक्षण, और द्वितीय तुलना परीक्षण किस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यदि हमारे पास यदि सिग्मा सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन दो धनात्मक श्रेणियाँ हैं, दो धनात्मक श्रेणियाँ हैं, दो धनात्मक श्रेणियाँ हैं, तो दो धनात्मक श्रेणियाँ हैं तो यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल परिमित हो, क्या हो परिमित हो। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी हो तथा एन इज एप्सिलॉन एन हो तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कि पी इज ग्रेटर देन टू वन हो, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन टू वन हो तो वी एन, यानी वी एन इज ग्रेटर देन टू वन हो तो वी एन क्या होगा अभिसारी होगा, वी एन अभिसारी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेकेंड बता रहा हूँ, यहाँ पे पी इज लेस देन इक्वल हो तो यहाँ पे वी एन क्या होगा अपसारी होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको बताया। देखो यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं पूरा वापस बता देता हूँ मैंने क्या बताया यहाँ पे कि तुलना परीक्षण, इससे पहले हमने बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह कल के वीडियो में की थी। ठीक है, तो तुलना परीक्षण, प्रथम तुलना परीक्षण, यदि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन भी दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियाँ हैं, दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियाँ हैं तो सिग्मा वी एन अभिसारी तथा यू एन इज लेस देन इक्वल वी एन एवरी एन इज एप्सिलॉन एन तो सिग्मा यू एन भी क्या होगा अभिसारी होता है, क्या होता है अभिसारी होता है। देन यहाँ पे यदि सिग्मा वी एन अपसारी है तथा सिग्मा यू एन इज ग्रेटर देन टू वी एन तो एवरी एन इज एप्सिलॉन एन हो तो यहाँ पे सिग्मा यू एन भी क्या होगा अपसारी, यानी यहाँ पे वी एन अपसारी है तो यहाँ पे सिग्मा यू एन भी अपसारी होगा, यदि सिग्मा वी एन अपसारी है तो यहाँ पे सिग्मा यू एन भी क्या होगा अपसारी होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे चाहे लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन साइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देख यहाँ पे फिर बाद में सेकेंड जो हमारे पास द्वितीय तुलना परीक्षण, यहाँ पे कह रहा है यदि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दो धनात्मक श्रेणियाँ हैं तो यहाँ पे लिमिट एन डैश टू फाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल, और एल क्या हो लिमिट हो परिमित हो लिमिटेड हो, जहाँ वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पी ए वन अपॉन एन पी हो तथा यहाँ पे एन एन इज एप्सिलॉन एन हो तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पी इज ग्रेटर देन टू वन
एन अभिसारी होगा, पी इज लेस देन इक्वल वन, तो यहाँ पे अपसारी होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वी एन है, यहाँ पे हार्मोनिक श्रेणी, इसको क्या कहेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण, इसको क्या कहता है, हाइपर हार्मोनिक, देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण कहते हैं, ठीक है। आगे समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो वी एन होता है उसको हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अलग से, वी एन इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन एन पी, और यहाँ पे हमारे पास पी इज ग्रेटर देन टू वन हो तो यहाँ अभिसारी होगा, और यदि हमारे पास पी इज लेस देन इक्वल वन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपसारी होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपसारी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। और अब हम यहाँ पे वन बाय वन सारे के सारे एग्जांपल्स विद इसके एवरी क्वेश्चंस सारे के सारे बोर्ड पे यहाँ करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के आने वाले क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे नेक्स्ट चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन या फिर मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, निम्न के अभिसरण की परीक्षण कीजिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है वन बाय टू प्लस वन अपॉन थ्री की पावर टू प्लस वन अपॉन टू की पावर थ्री प्लस यहाँ पे वन अपॉन थ्री की पावर फोर प्लस वन अपॉन थ्री की पावर टू की पावर फाइव प्लस वन अपॉन थ्री की पावर सिक्स डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। और इसको हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे परीक्षण करना है, अभिसरण परीक्षण, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको कि इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं देखो आंसर, और इसको टू की पावर टू, टू वाले एलिमेंट्स या टू वाले जो पद दे रखे उसको अलग कर लेता हूँ, थ्री वाले पद दे रखे उसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय टू प्लस वन टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फाइव डॉट 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 डॉट, फिर बाद में यहाँ पे प्लस वन अपॉन थ्री की पावर वन प्लस वन अपॉन थ्री की पावर यहाँ पे देखो यहाँ डायरेक्ट थ्री दे रखा, ठीक है, टू पावर टू ही दे रखा, फिर बाद में यहाँ पे थ्री की पावर सिक्स डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दे रखा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी बन रही, दोनों में क्या बन रही, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। देन यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे क्या है बेटा, या दोस्तों या वन बाई टू, फिर बाद में यहाँ पे आर इज इक्वल टू वन बाई टू अनंत पद दे रखे, दैट यहाँ पे हमारे पास जो प्रथम पद दे रखा है वो वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे वन अपॉन थ्री दे रखा है, या वन अपॉन थ्री दे रहे नहीं, वन अपॉन नाइन दे रखा है, क्या दे रखा दोस्तों, वन अपॉन नाइन, और आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, वन अपॉन नाइन दे रखा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं जो अनंत पदों का योगफल होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा यू एन या फिर एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे ए अपॉन वन माइनस आर, इस प्रकार से होता है। देन यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे ए वन इसको ए वन आर वन, ए टू आर टू, इस प्रकार से लिख देता हूँ। देन यहाँ पे ए वन आर वन प्लस ए टू वन माइनस आर टू, इस प्रकार से ए वन यहाँ पे वन बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, प्लस यहाँ पे वन बाई नाइन वन माइनस वन अपॉन नाइन, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करूंगा। देन यहाँ पे देखो दोस्तों वन अपॉन टू कितना जाएगा, वन अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन फोर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो आर की वैल्यू है वन अपॉन फोर आएगी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वन अपॉन टू की पावर थ्री, वन अपॉन टू देगा, यहाँ पे आएगा वन अपॉन फोर, देन यहाँ पे भी आ जाएगा वन अपॉन फोर, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, देखो वन अपॉन टू और यहाँ पे वन अपॉन फोर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन नाइन और यहाँ पे एट अपॉन नाइन, ठीक है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे फोर
बाई टू यानी कि टू प्लस यहाँ पे नाइन से नाइन तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एट आएगा, ठीक है, टू बाई थ्री आएगा यहाँ पे दोस्तों, टू बाई थ्री आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे टू बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, नहीं थ्री बाई फोर आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, टू बाई थ्री, और यहाँ पे नाइन से नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन एट आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर जो क्या है, परिमित है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे परिमित है, ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, ये अभिसारी होगा, ठीक है, अभिसारी परिमित है, इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ मैं अभिसारी है, ठीक है, अभिसारी है। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा यहीं पे दोस्तों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड किस प्रकार से दे रखा है, देखो मैं बोर्ड पे उतार लेता हूँ, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या एग्जाम्पल नंबर सेकंड, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है इस प्रकार से हमें सिद्ध करना, और श्रेणी हमारे पास किस प्रकार से दे रही है दोस्तों, यहाँ पे देखो अंडर रूट वन अपॉन फोर प्लस अंडर रूट टू अपॉन सिक्स प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन एट प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे अंडर रूट एन अपॉन टू एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रही है, श्रेणी दे रही, और इसको हमें प्रूव करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रेणी दे रही वो क्या नहीं है, अभिसारी श्रेणी नहीं है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एन अपॉन टू एन प्लस वन, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, और फिर बाद में इसको इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे मैं अभिसारी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं इसको देखो यहाँ से एन कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाले में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एन को तो एन ही रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2n और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, इस प्रकार से मैंने क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ से n को कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे n की जगह मैं इनफाइनाइट रखूँगा, क्या रखूँगा दोस्तों, इनफाइनाइट रखूँगा, दैट यहाँ पे पहले तो देखो n से n या ये वाला n से n कट गया, यहाँ पे 1 अपॉन n की जगह इनफाइनाइट रखूँगा, दैट यहाँ पूरा जीरो नहीं होगा, 1 अपॉन अंडर टू तो होगा ही होगा, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर टू या है हमारे पास क्या है, यू एन आया लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज नॉट इक्वल जीरो, और जब इज नॉट इक्वल जीरो तो वो कभी भी निश्चित तौर से कह सकते हैं अभिसारी नहीं हो सकता, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उपरोक्त श्रेणी अभिसारी नहीं है, अपसारी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उपरोक्त श्रेणी अभिसारी नहीं है, अपसारी है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपसारी है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, दोनों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड, अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक बार, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर निम्न श्रेणी के अभिसरण की परीक्षण की, यहाँ पे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 की पावर 3, 1 अपॉन 2 की पावर 5, दैट इसको मैंने अलग कर लिया, 1 अपॉन 3 की पावर 2, 1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 6, डॉट डॉट, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ, यहाँ पे प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी दे रखी, प्रथम पद 1 अपॉन 2, और सार अंतर जो दे रखा आर आर की वैल्यू आर 1, यहाँ पे 1 अपॉन 4, दैट यहाँ पे इसकी ए टू की वैल्यू 1 अपॉन 9, और ए टू यहाँ पे आर टू की वैल्यू 1 अपॉन 9 होगा, दैट यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सिग्मा यू एन और एस एन यानी कि अनंत पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी में ए अपॉन 1 माइनस आर होता, दैट यहाँ पे दोनों के लिए मैंने लगा दिया, इसको सॉल्व किया 19/24 आया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिमिट है परिमित है अभी परिमित है लिमिट है, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ अभिसारी श्रेणी, इसी प्रकार प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी श्रेणी नहीं है, अभिसारी श्रेणी नहीं है, देन यहाँ पे इस प्रकार से श्रेणी दे रखी, यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन टू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट
un इज इक्वल टू लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट अंडर रूट एन अपॉन टू एन वन प्लस वन अपॉन एन, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन से एन कट गया, यहाँ से एन मैंने कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे वन अपॉन इनफाइनाइट रखो तो ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन टोटल जीरो नहीं, वन अपॉन टू यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि ये अप्रोक्सिमेटली अभिसारी नहीं है, अपसारी है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे सारे एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे थर्ड देखो दोस्तों किस प्रकार से होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमें, प्रदर्शित कीजिए कि प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी श्रेणी सिग्मा वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर माइनस वन अपसारी है, क्या है, अपसारी है, इसको हमें क्या करना है बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। देखो कि यहाँ पे दे रखा सिग्मा यू एन आंसर सिग्मा सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा सिग्मा सिग्मा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर माइनस वन, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं सिग्मा यू एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर माइनस एन, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ये माइनस इनवर्स में दे रखा, देन यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों इसको वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे यू एन, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यू एन, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से क्या मैं वैसे तो कॉमन नहीं ले सकता कुछ भी, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसको मैं वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस होल की पावर एन, दैट यहाँ पे इनकी वैल्यू जो होती है दोस्तों यहाँ पे ई होती, क्या होती है ई होती, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। देखो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन ई, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ई होता है, और ई की वैल्यू हमें पता है 2.718 होता है, 2.718 होता है, और हमें क्या करना है प्रदर्शित कीजिए श्रेणी अपसारी श्रेणी है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज नॉट इक्वल जीरो, देन यहाँ पे कह सकता हूँ अतः यह अपसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है, अपसारी है, ठीक है, अपसारी श्रेणी है, ठीक है, अपसारी श्रेणी है। दैट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं करने की कोशिश इसको भी करूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या देर का, देखो क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, देखो सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, निम्न श्रेणी दोस्तों यहाँ पे क्या है अभिसारी है, देन यहाँ पे अभिसारी होने के लिए यहाँ पे सिद्ध करेंगे इसको, और किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास श्रेणी इस प्रकार से दे रखी है, यहाँ पे मैं श्रेणी को भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखी है वन अपॉन फैक्टोरियल वन, और वन या फिर मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से मैं इसको दे रखा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे इसको मैं एस के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ एस के बराबर ले लेता हूँ, दैट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि ई की पावर एक्स, तो इसका एक्स वन डेट फॉर्म होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो वन प्लस एक्स, देखो वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और एक्स क्यूब
अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यदि x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, या फिर मैं यदि x इज इक्वल टू 1 देन यहाँ पे e इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इस प्रकार से। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो दोनों तरफ हम एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ मैं एक जोड़ने और घटाने पर, इसमें इक्वेशन जो हमारे पास ये दे रखी, इसमें क्या कर रहा हूँ एक बार तो एक जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समीकरण एक में एक जोड़ने व घटाने पर दैट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाए और -1 लगा दिया, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से मैंने कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर पूरे को इस प्रकार से, ये 1 यहाँ पे मैंने ऐड किया और ये 1 माइनस यहाँ पे किया, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला बन रहा है, डेट इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, ई लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे ई लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से -1 क्या हुआ, ठीक है, देट यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू यहाँ पे ई -1, क्या लिख दिया मैंने ई -1, ठीक है। देन यहाँ पे एस इज इक्वल टू यहाँ पे 2.718 -1 देन 1.718, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, प्रतिस्थिति निम्न श्रेणी अभिसारी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है ई की वो क्या है, परिमित है, लिमिट है, परिमित है, ठीक है। देन यहाँ पे यह श्रेणी अभिसारी श्रेणी है दोस्तों, क्या है, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो ये दोनों मैंने क्वेश्चन करे एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ, इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे बता सकते हो, या फिर दोनों को वापस समझा रहा हूँ। प्रदर्शित कीजिए कि सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर -1 अभिसारी है, देन यहाँ पे सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर -1, देन यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने सिग्मा हटा लिया, देन un 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर -1 या -1 देगा, इधर आते नीचे आते प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे लिमिट n डैश टू इन्फाइनाइट un इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, देट यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे लिमिट n डैश टू इन्फाइनाइट un इज इक्वल टू 1 अपॉन e 1 अपॉन 2.1718 इज नॉट इक्वल 0, देन अभिसारी श्रेणी है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे मैं बात करना चाहूँगा, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से देगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, दैट इज इक्वल टू 1 1, और या ई एक्स इज इक्वल 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इस प्रकार से। यदि x इज इक्वल टू 1 है, यदि x इज इक्वल टू 1 है, देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इस प्रकार से। समीकरण एक में एक जोड़ने व घटाने पर, समीकरण एक में हम क्या करें एक जोड़ने व घटाने पर, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस 1 किया और यहाँ पे -1 किया, दैट इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों ई लिख सकता हूँ ई -1, दैट यहाँ पे 1.718 हो जाएगा, और ये क्या है लिमिट है परिमिट है, देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं अभिसारी श्रेणी है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे आगे मैं बात करूंगा एग्जाम्पल नंबर 5 की, और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा देखो इस प्रकार से, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 दोस्तों किस प्रकार से कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, ठीक है, निम्न श्रेणी का परीक्षण कीजिए, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे श्रेणी हमारे पास दे रखी है, और श्रेणी को मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे un ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ un इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखी 1 अपॉन 2 प्लस
अंडर रूट टू अपॉन फाइव प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन एट प्लस डॉट 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 और अंडर रूट एन अपॉन थ्री एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास श्रेणी दे रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो सिग्मा या फिर यू एन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन अपॉन थ्री एन माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है और यहाँ पे देखो यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से एन कॉमन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे अंडर रूट एन अपॉन एन और थ्री माइनस वन अपॉन एन, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे दोनों तरफ मैं इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यू एन लिख रहा हूँ। ठीक है, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एन दे रखा है, एन को अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू या फिर मैं एन की पावर वन बाई टू और थ्री माइनस वन अपॉन एन, और हमारे पास जो वी एन हो जाएगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे वी एन, ठीक है, वी एन हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एन की पावर एन बाई टू, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा यू एन और वी एन। दैट यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन वी एन, ठीक है, यू एन अपॉन वी एन, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास यू एन अपॉन वी एन किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यू एन तो हमारे पास ये है इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन एन की पावर वन वन बाई टू और यहाँ पे थ्री माइनस वन अपॉन एन और यहाँ पे अपॉन में करूँगा वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू। दैट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वी एन वी या नहीं, यहाँ पे एन की पावर वन बाई टू अपॉन वन, दैट यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एन इज डैश एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा हूँ, दैट यहाँ वन अपॉन थ्री रह जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों, थ्री रह जाएगी, वन अपॉन थ्री। हमें करना क्या है, अभिसरण का परीक्षण करना। दैट यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि इसको वन अपॉन थ्री आया यहाँ पे वैल्यू, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो हार्मोनिक या फिर हमारे पास जो हेडिंग थी वो हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक क्या होता है, देखो वी इज इक्वल टू वन अपॉन एन पी और एन पी की वैल्यू अगर हमारे पास इज ग्रेटर देन टू वन हो देन वो तो होता अभिसारी, ठीक है, क्या होता है अभिसारी, और यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन रिलैक्स देन इक्वल वन हो तो यहाँ पे क्या होता है अपसारी, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आया दोस्तों, वी एन, वी एन हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से वन अपॉन एन की पावर वन अपॉन टू, यानी कि यहाँ पर बस जो पी की वैल्यू दे रही है लेस देन इक्वल वन दे रही है, देन यहाँ पे जो हमारे पास अभिसरण या सीरीज होगी वो कौन सी होगी, सीरीज होगी अपसारी सीरीज या फिर अपसारी डाइवर्जेंस अपसारी श्रेणी होगी। ठीक है, आगे समा गया दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करने की कोशिश करूँगा, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे सिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लो एक बार कि हमें दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। इसमें भी हमें अभिसरण का क्या करना है, परीक्षण करना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स और यहाँ लिख रहा हूँ मैं निम्न श्रेणी का अभिसरण का परीक्षण कीजिए, अभिसरण का परीक्षण कीजिए। दैट यहाँ पे अभिसरण का परीक्षण करेंगे दोस्तों और किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अभिसरण का परीक्षण और हमारे पास जो सीरीज दे रही है यू एन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन टू की पावर टू प्लस वन अपॉन या फिर मैं कह सकता हूँ टू की पावर टू थ्री की पावर थ्री। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे टू की पावर या थ्री की पावर, देखो यहाँ पे दे रखा थ्री की पावर थ्री और फोर की पावर फोर, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है फोर की पावर फोर और फाइव की पावर फाइव प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं हमारे पास यू एन
और यू एन इज इक्वल टू, देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो वन अपॉन वन की पावर वन अपॉन वन की पावर वन, वन की पावर वन अपॉन टू की पावर टू, टू की पावर टू अपॉन थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री अपॉन फोर की पावर पावर, फोर की पावर फोर अपॉन फाइव की पावर फोर। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको क्या कह सकता हूँ दोस्तों, यू एन इज इक्वल टू एन की पावर, यहाँ पे एन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। देखो यहाँ वन दे रखा है, वन को एन लिया और इसका वन का अगला पद एन, यानी एन प्लस वन, वन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन, और पावर में भी क्या हो रहा है डबल, यहाँ फिर क्या हो रहा है वापस एन प्लस वन हो रहा है, क्या हो रहा है एन प्लस वन हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यू एन आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से कर सकता हूँ इसको मैं, यू एन इज इक्वल टू, यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिमिट या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, लिमिट लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यू एन इज इक्वल टू, यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और एन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन की होल पावर वन अपॉन एन। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, और फिर बाद में देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिखने के बाद इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ दोस्तों। देखो इसको किस प्रकार से मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यहाँ से पहले तो मैं कॉमन ले लेता हूँ एन, क्या ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं एन कॉमन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से ले रहा हूँ इसको, लिमिट लिमिट एन डैश टू एन, एन डैश टू एन, और यहाँ से एन की पावर एन तो ही है, और यहाँ से एन कॉमन लेंगे देन एन की पावर एन प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा क्या, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन प्लस वन, ये बचा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ से एन कॉमन ले लें, देन यहाँ पे जो पावर आएगी एन, एन की पावर एन प्लस वन हो जाएगी। फिर बाद में नेक्स्ट देखो लिमिट यू एन 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 डैश टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लिमिट इस प्रकार से, और यहाँ पे यू एन, ठीक है, यू एन लिमिट। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे मैं एन की पावर एन, और इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, एन की पावर एन और एन की पावर वन, ठीक है, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन प्लस वन। इस प्रकार से मैंने दोस्तों इसको लिख लिया, दैट यहाँ पे एन की पावर एन से एन की पावर एन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे वन अपॉन एन और वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन प्लस वन, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सहायक श्रेणी, यहाँ पे ले माना सहायक श्रेणी वी एन, माना सहायक श्रेणी ठीक है, सहायक श्रेणी वी सिग्मा वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन है, ठीक है, यहाँ पे ये ले वन अपॉन एन है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन है। दैट यहाँ पे मैं लिमिट लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, ठीक है, यू एन अपॉन वी एन लिमिट एन डैश टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं देखो इस पर देखो हमारे पास पद वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन प्लस वन हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं अलग अलग इसको कर लेता हूँ, देखो अलग अलग किस प्रकार से कर लूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, देखो एन प्लस वन दे रखा, दैट यहाँ पे एक बार तो ले लेता हूँ एन, या फिर एक बार तो पावर वन ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर वन, और यहाँ पे वापस लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन। दैट यहाँ पे इसकी वैल्यू तो वन आ जाएगी, दैट और यहाँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, वन अपॉन ई हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ देखो इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन डैश टू, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन ई, जो क्या है परिमित है, ठीक है, तो परिमित है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे परिमित है, परिमित राशि है। दैट यहाँ पे क्या है अपसारी है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अपसारी है, ठीक है, अपसारी है। आगे मैं इसके बारे में और बताना चाहता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मैं इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसके मैं वापस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के बारे में बात करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, देखो वन अपॉन एन वी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर वन आया। दैट यहाँ पे जो पी की वैल्यू लेस देन इक्वल वन है,
दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये अपसारी श्रेणी है, ठीक है, अपसारी श्रेणी, ठीक है, अपसारी श्रेणी, यहाँ से भी क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है, ये परिमित है तो इसलिए भी अपसारी है। और यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वन अपन एन की पावर एन, यहाँ पे पी इज लेस देन इक्वल वन, देन यहाँ पे अपसारी श्रेणी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको किया। फिर बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मैं करना चाहूँगा एग्जाम्पल नंबर एट, एट का सेकेंड करवा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का सेकेंड करवा देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा, ठीक है। तो देखो इसको करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और फिर बाद में नाइन्थ करवा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर एट है देखो यहाँ पे दोस्तों, और एग्जाम्पल एट नंबर क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर एट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर एट, और एग्जाम्पल नंबर एट का सेकंड मैं कराऊंगा। इसमें भी हमें यही करना है, अभिसरण का परीक्षण करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या दे रखा हमें, इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पावर ऑल पावर थ्री है, देखो यहाँ पे एन की पावर थ्री प्लस वन माइनस एन दे रखा, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा। और इसको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं देखो स्टेप बाई स्टेप करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, कॉमन ले लेता हूँ एन, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन स्वर, ठीक है, और n n की पावर देखो n की पावर थ्री प्लस वन की होल पावर वन अपॉन थ्री माइनस का n, इस प्रकार। देन यहाँ से n कॉमन लगा, n क्यूब लूँगा कॉमन, देट यहाँ वन अपॉन थ्री देगा, तो यहाँ पे सिर्फ n आ जाएगा, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन n की होल पावर थ्री की होल पावर वन अपॉन थ्री माइनस n, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से भी मैं एन कॉमन ले लेता हूँ, एन क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, देट यहाँ बचेगा क्या, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर, एन की पावर थ्री की होल पावर यहाँ पे वन अपॉन थ्री माइनस वन, इस प्रकार से हमारे पास बचेगा। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ वन वन प्लस एक्स की होल पावर एन क्या होता है यहाँ पे, देखो वन प्लस एन एक्स प्लस एन और n माइनस वन, एन माइनस वन की होल यहाँ पे फैक्टोरियल वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे n n माइनस वन और n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू, और यहाँ पे x की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों, इसका मैं एक्सपांडेड फॉर्म करता हूँ, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म n तो बार दे ही रखा है हमें, इसका n तो हमें बार दे ही रखा है, देखो वन प्लस, तो यहाँ पे वन प्लस एन एक्स, मतलब कि एन एक्स ये इस प्रकार से आएगा अपॉन फैक्टोरियल वन, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन एन थ्री एन की पावर टू प्लस यहाँ पे जो नेक्स्ट हो जाएगा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री माइनस वन, या वन माइनस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या जाएगा फैक्टोरियल टू, क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे एन की पावर यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे डॉट 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 और माइनस वन पे ऑलरेडी दे रखा है, प्लस वन से माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, देखो यहाँ पे ये यू एन के बराबर, ठीक है, इसको यू एन के बराबर ले लेना, ठीक है, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे, और इसको भी यू एन के बराबर ले लेना, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, देखो वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर और माइनस वन अपॉन, देखो यहाँ फैक्टोरियल टू वगैरह इस प्रकार से दे रखा है, नाइन फाइव नाइन फाइव नाइन नाइन एन की पावर फाइव, इस प्रकार से हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट 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 इस प्रकार से कर लिया, देट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, वन अपॉन एन की पावर टू कॉमन ले लेता हूँ, यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर टू, और बचेगा क्या वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन नाइन की पावर, देखो नाइन की पावर एन की पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा। देट यहाँ पे एक मिनट इसको डॉट डॉट कर लेता हूँ, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे वी एन, वी एन हमारे पास माना सहायक श्रेणी, यहाँ पे लिख रहा हूँ माना सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी, और माना सहायक श्रेणी यहाँ पे क्या दोस्तों, वी एन, वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है ये सहायक श्रेणी है। और सहायक श्रेणी को मैं किस प्रकार से, नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाउ, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, लिमिट
एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या देखो इसमें इसका सहायक श्रेणी का भाग देंगे तो ऊपर वाला ही पद आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस नाइन एन की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये पद आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू यहाँ पे रख देता हूँ, मैं वैल्यू एन डैश इनफाइनाइट यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास वी एन अपॉन वी एन लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री और वन अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे ये परिमित है, क्या है दोस्तों परिमित है, और यहाँ पे जो हमारे पास परिमित है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ परिमित है, तो यहाँ पे ये अभिसारी होगी, क्या देखो यहाँ पे दोस्तों वैसे तो ये इज नॉट इक्वल टू जीरो परिमित है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अपसारी होगा, ठीक है अपसारी होगा, लेकिन हमारे पास जो हाइपरमोनिक श्रेणी हार्मोनिक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर टू देगा, यानी पी की वैल्यू क्या देगी टू, या फिर मैं कह सकता हूँ पी इज ग्रेटर देन टू वन, दैट यहाँ पे हमारे पास अभिसारी है, ये हमारे पास वी एन क्या है अभिसारी है, अभिसारी है वी एन हमारे पास अभिसारी है, दैट यहाँ पे अभिसारी के तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यू एन बी अभिसारी होगा, यू एन बी क्या होगा अभिसारी होगी, हमारे पास ये कौन सा परीक्षण है द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण क्या कहता है दोस्तों कि जब यहाँ पे स्पष्ट है कि द्वितीय तुलना परीक्षण एक सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन या तो अभिसारी होगा या अभिसारी होगा, लेकिन यहाँ परंतु यहाँ पे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी यहाँ पे क्या दे रखी है क्या कह रहा है यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर पी इज इक्वल टू टू पी इज ग्रेटर दैन टू टू, देन यहाँ पे तो ये अभिसारी, देन यहाँ पे यू एन भी क्या होगा अपसारी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसका एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा एट का सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जाम्पल नंबर नाइन करना चाहूँगा, एग्जाम्पल नाइन क्या हो जाएगा देखो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर नाइन, ठीक है एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको दे रखा, तो इसको लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी अभिसरण का परीक्षण ही करना हमें, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यू एन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ दोस्तों यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा वन अपॉन एन साइन वन अपॉन एन, ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, और इसको मैं करने की कोशिश करूँगा। तो इसको करेंगे कैसे दोस्तों देखो यहाँ पे, ठीक है स्टेप बाई स्टेप इसको भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, क्या होती है, इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों यहाँ पे कि एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन एन यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, और यहाँ पे सिग्मा दे रखा, देन इसका एक्सपांडेड फॉर्म देखो यहाँ पे इनकी जगह में देखो साइन वन अपॉन एन दे रखा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से मैं इसको करने की कोशिश कर लेता हूँ, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन थ्री एन की पावर थ्री प्लस वन अपॉन फाइव एन की पावर फाइव एन की पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, देख यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों एन कॉमन ले लेता हूँ, वन अपॉन एन डॉट यहाँ से एन कॉमन ले तो टू हो जाएगा यहाँ पे, या वन माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन की पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। और फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको करने के बाद हमारे पास ये भी ध्यान रखना बेटा फैक्टोरियल में दे दोस्तों, या किस में देर का है फैक्टोरियल में देर का, दैट इसको मैं फैक्टोरियल को भी तो सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो फैक्टोरियल को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर और वन माइनस यहाँ पे सिक्स एन की पावर टू प्लस यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास फाइव फैक्टोरियल फाइव को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखो फैक्टोरियल फाइव को सोल्व किस प्रकार करते हैं फैक्टोरियल फाइव फोर थ्री टू वन बीस इंटू साठ साठ इंटू दो 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 120 और एन की पावर फोर
प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा और सहायक श्रेणी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना सहायक श्रेणी, ठीक है, माना सहायक श्रेणी और यहाँ पे सहायक श्रेणी हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगी, देखो यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर सहायक श्रेणी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, दैट यहाँ पे इसमें इसका भाग देंगे यू एन में, देन यहाँ पे हमारे पास लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और वन माइनस सिक्स एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन ट्वेंटी एन की पावर फोर प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोस्तों क्या रख रहा हूँ, n डैश टू इनफाइनाइट रख रहा हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू यहाँ पे यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, इज नॉट इक्वल ज़ीरो, देन यहाँ पे हमारे पास ये नॉट इक्वल ज़ीरो, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अपसारी होगा, ठीक है, अपसारी होगा, लेकिन हमारे पास अपसारी होने के बावजूद यहाँ पे जो सहायक श्रेणी वी एन इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन एन की पावर टू दे रखा है, दैट यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन टू वन है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये अभिसारी होगा, ठीक है, अभिसारी, ठीक है, यहाँ पे डिसाइड नहीं करना दोस्त, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे पहले ही अभिसारी होगा, ठीक है, इससे ही हमारा जो सहायक श्रेणी सही डिसाइड होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या था, ये अपसारी नहीं, यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे, यहीं पे डिसाइड होगा, डेट यहाँ पे दोस्तों यहाँ आज के लिए बस इतना ही, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज है, डेफिनेशंस वगैरह आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक भी करना है, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर।